हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राहुल। नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इंदौर संभाग में आज का जिला है हमारा झाबुआ जिला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है ना। हम झाबुआ जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 52 जिलों की सीरीज में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यह नए संशोधन के साथ और परीक्षा उपयोगी संग्रह फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरी पूरी देखिए। 10 मिनटों से 10 मिनट की कम समय की वीडियो है, याद रखोगे। सभी की सभी वीडियो आपको नालंदा एकेडमी के चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएंगी। सभी की सभी लेक्चर जिले वाइज जिले 10 मिनट से कम समय में डले हुए हैं, देखिए फ्रेंड्स और शेयर जरूर करिए। मैं हूं राहुल, चलिए स्टार्ट करते हैं झाबुआ जिले के बारे में सामान्य परिचय। सबसे पहले तो आपको, जैसे मैं बताता हूं कि हर लेक्चर में, कि आपको इसकी लोकेशन याद जरूर होना चाहिए, झाबुआ जिले की इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो देखिए, इंदौर जिले या इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाला झाबुआ मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में है स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी स्थिति की अगर बात करूं मैं, तो पश्चिम में ये देखिए राजस्थान के साथ भी सीमा अपनी बनाता है और गुजरात के साथ भी अपनी सीमा बनाता है, ठीक है ना, पश्चिम में। वहीं इसकी अगर बात करें हम दक्षिण में अलीराजपुर, जो कि इसी से अलग हुआ था, और उत्तर में रतलाम इससे सीमा बनाता है। वहीं पूरब की ओर धार जिले से सीमा बनाता है, किससे, धार जिले से ये पूरब की ओर सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो कि इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है झाबुआ जिला। चलिए इसके अलावा बात करते हैं हम इसमें कुछ भौगोलिक दृश्य के बारे में, कि फिर इसके बाद हम इसकी तहसीलों के बारे में चर्चा करेंगे। तहसीलों से तात्पर्य ये रहेगा, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, ये इसमें याद रखोगे एक स्थान का नाम है देवझिरी स्थान। कौन सा, देवझिरी स्थान, जो कि शिव का प्राचीन मंदिर है, ठीक है फ्रेंड्स, देवझिरी स्थान। यह इसका नाम देवझिरी क्यों पड़ा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन अभी तक केवल यह आया है कि देवझिरी नामक स्थान कहाँ पर है, तो आप याद रखोगे कि झाबुआ के अंतर्गत है। कहाँ पर है, झाबुआ के अंतर्गत है। इसका देवझिरी स्थान इसलिए पड़ा कि इसमें पानी की झिरी मौजूद है, इसमें पानी की झिरी मौजूद है, और यहाँ पर एक शिव भगवान का मंदिर है, इस कारण से इसका नाम पड़ गया देवझिरी, ठीक है ना फ्रेंड्स। यह जो देवझिरी स्थान है सुनार नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर, सुनार नदी के तट पर स्थित है। तो प्रश्न आ जाए कि सुनार नदी किस जिले में बहती है, तो याद रखोगे झाबुआ जिले के अंतर्गत बहती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा यह जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, यानी जनजाति बहुत मात्रा में मिलेगी कहाँ पर, झाबुआ जिले में। जैसे कि आप देखते हो जनजाति में भील जाति और एक भिलाला जाति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जातियां हो जाती हैं, भील प्लस भिलाला जनजाति फ्रेंड्स, ठीक है ना, याद रखोगे। यानी कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को हमको मिलता है झाबुआ और अलीराजपुर में। इसी के साथ साथ भारत का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर मौजूद है, तो झाबुआ में ही मौजूद है। आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर, झाबुआ में मौजूद है। इसके साथ साथ एक स्थान है जिसका नाम है पेटलाबाद, क्या नाम है, पेटलाबाद। पहला खेल आवासीय विद्यालय स्थित है यहाँ पर, कहाँ का, पहला खेल आवासीय विद्यालय पेटलाबाद में, जो कि आता है कहाँ पर, झाबुआ के अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब इसके बारे में, इसकी तहसीलों के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए जब से ये अलीराजपुर से अलग हुआ है 2008 में, कब से, 2008 में जब से अलीराजपुर से अलग हुआ है, अलीराजपुर को हम बताएंगे अच्छी तरीके से कि 14 मई 2008 को जो अलग हुआ था, अलीराजपुर से पृथक होने के बाद इसमें केवल 5 तहसीलें मौजूद रह गई। कितनी, 5 तहसीलें। जैसे वर्तमान में आप देखते हो कि 5 तहसीलें कौन कौन सी हो जाती हैं, पहले नंबर पर तो आता है झाबुआ तहसील आ जाती है हमारी, फिर उसके बाद राणापुर तहसील आती है, राणापुर के बाद आप देखते हो कि पेटलाबाद तहसील आती है। जैसे मैंने ऊपर बताया था पेटलाबाद एक स्थान है, ठीक है ना, पेटलाबाद के बाद थांदला एक तहसील है यहाँ पर, थांदला के बाद यहाँ पर मेघनगर तहसील। ये सारे की सारे जितने भी नगर हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम अभी देखने वाले हैं, मेघनगर के बारे में चर्चा करेंगे, पेटलाबाद के बारे में हम चर्चा कर ही लिए, थांदला कहाँ पर स्थित है, तो देखिए यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है थांदला। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा हाईवे जो मौजूद है, याद रखोगे, जिसे हमने राजकीय हाईवे का दर्जा दिया गया है, कौन से, थांदला से कुशलगढ़, कहाँ से, थांदला से कुशलगढ़। तो देखिए इस तरीके से प्रश्न बन जाते हैं इसके, ठीक है ना, थांदला से कुशलगढ़, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखोगे। अब जो कुशलगढ़ जो है ना फ्रेंड्स, ये कहाँ पर, राजस्थान में स्थित है। तो यहीं से एक 22 किलोमीटर का सबसे छोटा हाईवे है, सबसे छोटा हाईवे देखने को हम तो मिलता है राजकीय
हाईवे, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखोगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूँ कि झाबुआ जिले में जो नदियाँ हमको देखने को मिलती हैं वो कौन कौन सी नदियाँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि नदियों से भी प्रश्न परीक्षा में आ जाता है, ठीक है ना, याद रखोगे। तो एक तो आती है माही नदी, ये झाबुआ जिले धार से होती हुई झाबुआ से बहती हुई जाती है, कहाँ पर, डायरेक्टली पहुँचती है राजस्थान में, ठीक है, माही नदी। और ये गए अनास नदी, कौन सी, अनास नदी देखने को मिलती है झाबुआ में हमको, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा कुछ औद्योगिक परिदृश्य के बारे में चर्चा करते हैं, झाबुआ के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। औद्योगिक परिदृश्य में या सबसे पहले नाम आता है मेघनगर का, फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेघनगर का ये औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है ना फ्रेंड्स। मेघनगर एक औद्योगिक क्षेत्र है जो कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की इकाई भी है, ठीक है ना फ्रेंड्स, किसकी, केंद्र सरकार की इकाई की मौजूदगी में मेघनगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह रॉक फास्फेट खनिज के लिए सबसे ज्यादा विख्यात था, किसके लिए, यह अभी भी है रॉक फास्फेट खनिज के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखोगे, यह मिनरल्स के लिए, रॉक फास्फेट खनिज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में डोलोमाइट खनिज के लिए भी, ठीक है, रॉक फास्फेट और डोलोमाइट खनिज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेघनगर। चलिए, इसके अलावा तीन प्रश्न बनते हैं हमारे एक्स्ट्रा, जो कि देखिए जहाँ पर झाबुआ का कनेक्शन हमको देखने को मिलता है। तो झाबुआ और ग्वालियर को अगर इसमें मिला दें तो इसमें शिल्प कला देखने को मिलेगी, जिसमें हम गुड़िया शिल्प कला के नाम से जिसको हम जानते हैं, और साथ साथ में झाबुआ को अगर बालाघाट से अगर हम मिला दें तो बांस शिल्प कला हमको देखने को मिलेगी, कौन सी, बांस शिल्प कला, बांस से बनाई गई वस्तुएं, ठीक है। इसके साथ साथ झाबुआ के साथ अगर यदि हम अलीराजपुर और धार जिले को मिला दें तो हमको देखेंगे भील जनजाति के द्वारा भीली भाषा बोली जाती है यहाँ पर, कौन सी, भीली बोली बोली जाती है, ठीक है, याद रखोगे। तो कुछ ऐसे प्रश्न जो झाबुआ के साथ कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप सारे की सारी प्रश्नों को याद रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, याद रखोगे। चलिए, तो हम बात, ये झाबुआ हमारा हुआ कंप्लीट, इससे ज्यादा प्रश्न झाबुआ से बनते नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए बहुत ही छोटा सा वीडियो है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक 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 इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन हो जाता है जिसका नाम है, अगर झाबुआ की बात हो रही है और कड़कनाथ की अगर बात ना हो जाए फ्रेंड्स, तो ये कैसा रहेगा, अछूता रह जाएगा। तो हम थोड़ी सी, मैं कड़कनाथ के भी आपको बता देता हूँ कि कड़कनाथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह एक मुर्गा की प्रजाति है फ्रेंड्स, किसकी, एक मुर्गा की या हैन की प्रजाति है फ्रेंड्स, ठीक है ना, याद रखोगे, ठीक है फ्रेंड्स। साथ साथ में जिसका नाम है कड़कनाथ, यह संपूर्ण कलर इसका कौन सा रहता है, ब्लैक रहता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसका मीट कैसा रहता है, ये भी ब्लैक रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके पैर कैसे रहते हैं, ये भी ब्लैक रहते हैं फ्रेंड्स, पैर ब्लैक, ठीक है, मीट ब्लैक। इसके जो ऊपर की चोंच रहती है, ठीक है ना, जिसे शोरमोर कहा जाता है, इसका भी ये ब्लैक रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से संपूर्ण इसका जो शरीर रहता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ब्लैक तरीके का रहता है, ठीक है, ब्लैक तरीके का रहता है, जिसे कड़कनाथ कहा गया है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना कि जो कड़कनाथ मुर्गा है या चिकन का मिलती है, जो किस जिले में मिलती है, तो झाबुआ जिले के अंतर्गत मिलती है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखोगे। चलिए, तो ये थे कुछ झाबुआ जिले के बारे में सामान्य परिचय, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स वीडियो को, और नालंदा एकेडमी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहिए नालंदा एकेडमी से, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय।